हेलो फ्रेंड, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल घूमे किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ अश्मिता दिखाएगी ईशान को असलियत। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है भाई बहुत बड़ा ड्रामा होगा राव साहब के बीच में और ईशा मैम के बीच में, क्योंकि उसे लग चुका है पता कि क्या घोटालेबाजी चल रही है, क्यों परमानेंट नहीं किया जा रहा है स्टाफ को और वही मैनेजमेंट कोटा वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जा रहा है, सब कुछ वो कह देती है। लेकिन यहाँ पर राव साहब फायदा उठाते हैं और उसको यहाँ पर ईशान को इस मीटिंग में नहीं आने देते। साथ में ये भी कह देते कि तुम्हें लास्ट मौका मिल रहा है कि ईशान के साथ तुम्हारे अपने रिश्ते ठीक करो। लेकिन ईशा साफ कह देते कि ये तो तुम आपको सालों साल पहले सोचना चाहिए था, अब यहाँ सोचने से कोई फायदा नहीं, लेकिन मुझे खुशी हुई। वहीं पर वो राव साहब ये कह देते हैं कि तुम भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा रह चुकी हो, तुम्हें भी स्कॉलरशिप मिली थी। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलता है कि ईशा इसी कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी है और यहाँ पर शांतनु और ईशा की लव स्टोरी शुरू हुई थी। नहीं देखने को मिलता है दूसरी तरफ ईशान के बारे में कहकर वो इमोशनल कर ब्लैकमेल करना चाहता है, लेकिन वो नहीं रुकती और कहती कि मैं आज रिपोर्ट उसको सबमिट करूंगी। वहीं दूसरा तरफ गुंडा उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं पर ईशान अब रुकता नहीं है, जाकर तलाक के पेपर ईशा को थमा देता है और किताब साइन कर दो। ईशा ये पेपर देकर शॉक्ड रह जाती है। वहीं पर अश्मिता और शिखा दोनों ही ईशा से मिलने के लिए वहां पहुंच जाती है चोरी छुपके। देखने को मिलता है कि ये तलाक के पेपर्स देखकर अश्मिता के होश उड़ जाते हैं और अश्मिता और शिखा दोनों ही ईशान को रोकते नजर आते हैं और सच्चाई दिखाते हैं। अश्मिता कहती है सालों पहले उन्होंने क्यों आखिर तुम्हें छोड़ा, तुम्हें कुछ पता भी है? क्यों सालों पहले उन्होंने अपनी एक अलग लड़ाई लड़ी है, जिसके बाद देखने को मिलता है कि ईशान के सामने वो ये सच्चाई रखेगी और साथ में शिखा भी यही कहेगी कि आप जो असलियत दिखती है ना हमारे घर में, वो असलियत एक्चुअली में है नहीं। मुझे भी, मैं अपना डांस करना चाहती थी, मैं अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन राव साहब ने ऐसे कभी नहीं होने दिया। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे डरते हैं, इसीलिए वो सब ड्रामा करते हैं कि वो लड़कियों की पढ़ाई के लिए और उनके करियर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दरअसल घर में ऐसा है नहीं, और ईशा वैनी के साथ ही यही शर्त रखी गई थी कि या तो घर परिवार को चुनिए या अपने करियर को, और यही सब सुनकर ईशान के होश उड़ जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शिखा और अश्मिता ही होंगे जो उसे असलियत पहचान करवाने वाले हैं।